गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो देख सकते हैं हम किचन में आ गए हैं और आज हम बनाने वाले हैं फेनुस। जी हाँ, फेनुस बनाने वाले हैं। और आपके शहर में क्या बोला जाता है फेनुस को, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम बनाते हैं फेनुस और खिलसा भी शायद बोला जाता है। और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को फेनुस कैसे बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं। हे गाइस, तो देख सकते हैं हम कढ़ाई चढ़ा लिए हैं और इसमें हम हल्का सा डालेंगे रिफाइंड तेल, बिल्कुल हल्का सा डालेंगे फेनुस बनाने के लिए। और ये हम ले लिए हैं जीरा, जीरा का फ़ोरन पड़ता है इसमें, देख सकते हैं ये जल गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये दूध डालेंगे, मतलब फेनुस के लिए डालते हैं। इस तरह से हम डाल लेंगे, लो इसमें, और हम डालेंगे हल्का सा। चलिए गाइज, और इसमें हम डाल देते हैं। तो इस तरह से हम डाल देंगे फेनुस बनाने के लिए, देख सकते हैं आप लोग। और इसे अब हम खोलने देंगे, फिर उसके बाद हम दूध डालेंगे और आप लोग को सारा प्रोसेस दिखाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। है तो देख सकते हो हम सारा फेनुस डाल दिए इसमें, और हल्का सा हम पानी भी डालेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। पानी भी डालना ज़रूरी है हल्का सा। और इसे अब हम खोलने देते हैं। हे गाइस, तो देख सकते हो ये हल्का हल्का खोलने लगा है, और इसमें अभी मम्मी डालेगी गुड़। डालो मम्मी, इस तरह से हम गुड़ डाल देंगे। और सच बताएं तो हमको बनाने नहीं आता है, मम्मी सिखा रही है हमको बनाने के लिए। पहली बार हम देख रहे हैं इसे बनता हुआ, क्योंकि हमको बनाने नहीं आता है। तो इस तरह से चला लेना है ना। ये जो सट रहा है उसे अच्छे से चलाना है, और ये फटेगा तो दिखाएंगे आप लोगों को कितना अच्छा फटता है वो। तो आप लोग बने रहिएगा। हे गाइस, तो देख सकते हैं आप लोग ये फटने लगा है फेनुस हमारा, देख सकते हो तरह से फट रहा है, देखिए। इस तरह से चलाते रहना है ताकि ये सटे नहीं। इस तरह से चलाना है, देख सकते हैं फटने लगा है। मम्मी चला के आप लोगों को दिखाएगी। इस तरह से तो गाइस, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग फेनुस बोलते हैं कि खिलसा बोलते हैं इसे, क्योंकि हम लोग के शहर में तो इसे फेनुस बोलते हैं। तो चलिए इसे होने देते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये भी काफ़ी देर तक पकेगा अच्छी तरह से। हेगा, तो देख सकते हैं ये फेनुस पूरा फट गया है। आप हैं आप लोग को देख सकते हैं, बिल्कुल फट गया है ये इस तरह से। और इसे पकने में टाइम लगता है, कम से कम 45 मिनट तो लगता ही है पकने में। तो आप लोगों को दिखाएंगे पक जाएगा तब, उसके बाद देख सकते हो फट गया है ये। तो चलिए पकने देते हैं इसे। हे गाइस, तो देख सकते हो फाइनली हमारा फेनुस बनके हो गया है रेडी, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है, देख सकते हैं आप लोग ये पक गया है। तो चलिए आप लोग को हम टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसा लगा है, लग रहा है, मतलब टेस्ट करके दिखाएंगे कि कैसा लगता है। और ऐसे तो हम पहली बार बनाए हैं, तो चलिए आप लोग को टेस्ट करके दिखाते हैं। हे गाइस, तो चलिए अब फेनुस को हम टेस्ट करते हैं कैसा बना है, मीठा है कि नहीं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को, टेस्ट करके बताते हैं कैसा लग रहा है। तो गाइस देख सकते हो ये ठंडा हो गया है, और हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। देख सकते हो गर्म है ये, तो चलिए टेस्ट करते हैं उसे। हे गाइस, तो चलिए अब हम फेनुस को टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। बहुत टेस्टी है और मीठा भी है,
और तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फिर उसको खिलसा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।